Hello all my very beautiful people, I welcome you all on my YouTube channel Priya Bhalla the Optimist. Now here's a very quick video to tell you about tomorrow's no moon. No moon is a day when there is no moon in the sky. We also call it as Amavasya, and it is a very beautiful day to release what all is not needed in your life. जिस भी चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो आपकी परेशानियाँ हैं, चाहे वो आपकी लाइफ के अंदर कोई स्टक इन इश्यूज़ हैं लाइफ के अंदर, और एल्स इफ़ यू से प्रिया मैम देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ यू नो नॉट नीडेड इन माई लाइफ एंड ही और शी इज़ रियली डिस्टर्बिंग मी अ लॉट और जस्ट स्प्रेडिंग नेगेटिविटी अराउंड मी और इन माई लाइफ, सो टुमारो इज़ अ डे टू रिलीज एनी पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, to get rid of any person, to get rid of any situation, to get rid of any of the things which is not really wanted in your life right now. So tomorrow, utilize the beautiful energies of divine and do not miss a single minute. So what are the tips, what are the rituals, what are the remedies which I really wanted to share with you today is, number one, to get rid of any situation, to get rid of any person in your life or to manifest what you want in life. किसी भी सपने को पूरा करना, किसी भी ड्रीम को पूरा करना, अगर आप कल अपनी ज़िंदगी से जो नेगेटिव है उसको रिलीज़ कर देते हैं तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आपके लाइफ के अंदर एंटर करेगा. जस्ट इमेजिन दिस, इफ़ यू आर रेडी टू रिलीज़ वॉट इज़ नॉट वॉन्टेड इन योर लाइफ, यू विल मैनिफेस्ट वॉट इज़ नीडेड इन योर लाइफ. आई होप यू आर गेटिंग इट. दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंस इन दीज टू थिंग्स. पहले उसको रिलीज़ करिए जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, और फिर उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे जिसको हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत है या जिसको हम चाहते हैं. सो लेट्स रिलीज़ वॉट ऑल इज़ नॉट नीडेड इन अ लाइफ फ्रॉम टुमारो. नंबर वन थिंग वॉट यू हैव टू डू टुमारो मॉर्निंग इज़ यू हैव टू टेक बाथ इन एनी होली वाटर, प्लस यू हैव टू एड सी सॉल्ट और एनी बाथ सॉल्ट इन योर बेदिंग वाटर. That is very important because tomorrow, as you know, that there's no moon. So moon will give you little negative energies. For example, if you are suffering with any mood swings or you are suffering with little depression, or you say ki Priya ma'am, lot of mood swings are there, or body ache hai, badan mein dard hai, mere knee mein pain hai, I'm having anxiety. So everything is because of that no moon or the planetary positions in the galaxy. So how to work on that? Or how to work for that, you need to take bath with the sea salt. Just put a 1 teaspoon of sea salt in your bathing water. Along with that, you can have any holy water. Along with that, you can put a pinch of turmeric. It will really work very beautifully and it will give you a shift immediately. So try this remedy tomorrow. Then comes the second one, that is use that sea salt, that bath salt, or you can use any Himalayan salt or rock salt in your pocha wala pani tomorrow. You know, with which you know dust your floors and you do mopping and everything. Us pani ke andar aap thoda sa सी सॉल्ट डाल लीजिए या हिमालयन सॉल्ट डाल लीजिए, जिसको हम सेंधा नमक भी कहते हैं, आप वो यूज़ करिए और मुझे बताइए. आपके घर की एनर्जी एकदम से चेंज होगी, वाइब्रेशंस एकदम से पॉजिटिव हो जाएंगे, बिलीव मी. देन कम्स यू कैन क्लीन योर डोर्स और एंड द विंडोज, बोथ द थिंग्स विद दैट सी सॉल्ट वाटर ओनली. सो थ्री थिंग्स टू डू विद योर सी सॉल्ट वाटर, यू हैव टू टेक बाथ, यू हैव टू क्लीन योर फ्लोर्स, यू हैव टू क्लीन द विंडोज, द डोर्स, यू कैन डू इवन द डस्टिंग विद दैट वाटर. सो वट एवर यू नीड टू क्लीन और मॉप टुमारो, इट्स गुड इफ़ यू डू विद द सी सॉल्ट वाटर. एंड लेट मी नो हाउ यू फील द एनर्जीज आफ्टर दैट. आपको कैसा लगता है, आपको बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं, आपको कैसे एनर्जी के अंदर चेंज लगता है, डू लेट मी नो. देन कम्स It's very good to change your bed sheets or anything you want to do in your house tomorrow. कोई भी चेंज लाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, कर्टन चेंज करते हैं, बेड शीट चेंज करते हैं, कुशन कवर्स चेंज करते हैं अपने ड्राॅइंग रूम के, यू कैन डू दिस रिचुअल टुमारो. आप सारे घर की कल बेड शीट्स को बदल दीजिए, आप देखिए आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव हो जाएगी एंड यू विल फील अ वेरी नाइस एनर्जी इन साइड यू. आपको लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फील. Then comes, if you want to get rid of any situation of your life, if you want to get rid of any negativity of your life, for example, a person or anything which is not working in your life, any situation is creating any problem in your life, you write everything on a piece of paper. Take a normal plain white paper with a black color pen, write what all is not needed in your life. Say to Goddess Moon, Goddess Moon, I am releasing
listen to it very carefully. You have to write, I am releasing. I am releasing XYZ person from my life. I am releasing the situation from my life. I am releasing all what bad negative I am suffering in my health is releasing today. I am releasing all the negativity in my house, of my house. I am releasing what all is not needed in my life. You have to write all what you really don't want in your life. Chahe aap poverty ki baat kare, chahe aap business nahi chal raha uski baat kare, or any negative people, any evil people in your life, aap unko release karna chahte hain. Write it on a piece of paper. After writing it, thank you universe, thank you universe, thank you universe. We have to feel as if already the things, the negative energy, the vibrations, the whatever is not needed is already gone from your life. वो आपकी ज़िंदगी से already जा चुके हैं. बहुत ही प्यारी thought है, करके देखिएगा. और जब आप ये thought कर लें, आप letter में लिख दें, thank you universe लिख दें, उसके बाद you have to burn that paper. Take a dish, सेरेमिक डिश ले लीजिए, उसके ऊपर उसको बर्न कर दीजिए कैंडल लेके, एनी कलर, वाइट कलर कैंडल और ब्लैक कलर. ब्लैक कलर है कैंडल तो बहुत ही अच्छा है, अगर ब्लैक कलर नहीं है देन वाइट विल गो. बट यू हैव टू विजुलाइज एज इफ दिस कैंडल इज ब्लैक कलर, जस्ट टू गिव दैट एनर्जी. ओके, सो बर्न दैट पेपर एंड थ्रो दैट एशेज इन योर दिस फ्लैश, और एल्स यू कैन डू इट इन योर किचन, और एल्स यू कैन थ्रो इट इन द डस्टबिन. बट What is the best? अगर आप उन ashes को अपने घर से बाहर ले जाके कहीं dustbin में फेंकते हैं, that is very good. I always tell in my videos कि अगर आप घर के अंदर flush ना करें, बाहर किसी toilet में जाके करें. अगर आपके society के अंदर कोई common toilet है, या आपके कहीं garden है आसपास, अगर आपको कोई जगह नहीं मिलती ना बाबू, don't worry, you can keep near a tree. पीपल का पेड़ है तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर कोने पर रख कर आ जाओ. और पीपल का पेड़ जो एनर्जी है, नेचर आपकी सारी नेगेटिविटी अपने अंदर ले लेती है. यू नो अर्थ हैज़ दैट कैपेसिटी, दैट ब्यूटिफुल थिंग दैट अर्थ विल टेक, गॉडेस अर्थ और मदर अर्थ विल टेक एवरी नेगेटिविटी ऑफ योर लाइफ. सो दीज आर वेरी ब्यूटिफुल टिप्स. इफ़ यू डू इट टुमारो, यू विल सी अ ब्यूटिफुल चेंज इन योर लाइफ एंड बिलीव मी डार्लिंग्स, इट वर्क. It really work. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी स्ट्रेस है ना बाबू, कल एक पेपर पे लिख के उसको जला दो. घर के अंदर कोई अच्छी सी इंसेंस जला दो. अगर आपके पास मेरी वो मैजिकल धूप है जो मैं बनाती हूँ, उसको तो प्लीज़ बर्न करिए मॉर्निंग इवनिंग. रात को कल अपने घर के बाहर दिया ज़रूर जलाइए. वेलकम पॉजिटिविटी इन योर हाउस एंड रिलीज ऑल द नेगेटिविटी. जब आप एक पेपर को बर्न कर दें, बाहर थ्रो कराएं और अपने घर के बाहर रख दें किसी पैकेट में, और मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग आप उसको कर सकते हैं, उसको बाहर कहीं फेंक सकते हैं. आज रात भी ये रिचुअल कर सकते हैं, कल रात भी कर सकते हैं. टुडे इज संडे, टुमारो इज 20th July, दैट इज नो मून डे एंड अ वेरी पॉजिटिव डे टू मैनिफेस्ट ऑल व्हाट यू नीड इन लाइफ. सो आप एक बार ये नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं तो अच्छा ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वापस आता है, बिलीव मी. और जब आप पेपर को बर्न कर दें, अपने घर में ज़रूर कोई अच्छा सा इंसेंस स्टिक जलाएं, वो मैजिकल धूप जलाएं, कैंडल जलाएं, दिया जलाएं एंड प्रे टू यूनिवर्स, से थैंक्स टू यूनिवर्स, से ग्रैटिट्यूड, एनीथिंग यू वांट टू पे ग्रैटिट्यूड फॉर, दोनों हाथ जड़ के शुक्रिया करें. कैसे खुशियां आपके घर में नहीं आएंगी, आई डोंट नो, कैसे नहीं आएंगे आपके घर में सुख, कैसे आपकी जॉब नहीं लगेगी, कैसे बच्चों की शादी नहीं होगी, कैसे नौकरी के अंदर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी बाबू, जब आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी है, आपके आसपास इतनी पॉजिटिविटी है, आपके ऑरा में इतनी पॉजिटिविटी है, कौन है जो रोकेगा उस पॉजिटिविटी को, मुझे भी तो पता लगे, कोई नहीं रोक सकता. सो बिलीव मी, छोटे छोटे टिप्स लेकर आती हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बिलीव मी. इफ़ यू रियली हैव फेथ ऑन मी एंड इफ़ यू रियली लव मी, डू ट्राई दीज टिप्स बिकॉज आई विल बी डूइंग. मैं तो आज रात को भी करूँगी, कल भी करूँगी, तो आप भी मेरे साथ करिए. आई वॉन्ट टू सी माई यूट्यूब फैमिली हैप्पी, फ्लरिशिंग, ग्रोइंग ईच डे. मैं चाहती हूँ आपके घर में, सबके घरों में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सुकून हो, आपके प्यार करने वालों से आपकी शादी हो जाए, आपके प्यार करने वाले आपको मिल जाएं, जो आपको परेशान करते हैं लोग वो आपके जीवन से चले जाएं, आपके बच्चे आपका कहना माने, आपके अपने आप को समझें, आपके घर में फाइनेंशियल इश्यूज नहीं रहें, आप सेविंग कर पाएँ, आपकी हेल्थ अच्छी हो. हर चीज़ के लिए आई प्रे टू यूनिवर्स फॉर यू. सो थैंक यू सो मच. जो जो इस वीडियो को लाइक करेगा वो तो मेरा अपना है ही, मैं प्रे करूँगी आपके लिए. जो नहीं भी करेगा उनके लिए भी आई लव यू सो मच. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन दोज हू हैव जॉइंड माई नज़र बट्टू वर्कशॉप. वी आर मोर देन 100 पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज़न्ट इट अ बिग थिंग. थैंक यू सो मच ऑल, दो आई हैव क्लोज द ग्रुप नाउ, बट रियली थैंक यू टू ऑल. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टुमारो डू जस्ट डू दीज रिचुअल्स, लिटिल स्मॉल स्मॉल टिप्स, इनको ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा आपके घर में क्या चेंजेस आते हैं. थैंक यू सो मच.